सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो में हम बात करने वाले आप सभी की। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले आप सभी के, बाय चांस अगर किसी का फॉर्म गलत हो गया है तो उसको किस प्रकार से ठीक कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट करें। तो यार, यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को देखोगे ध्यान से तो सारे प्रोसीजर वगैरह बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लिखा हुआ है कि किस प्रकार से सारी चीजें हो रही होगी। ठीक है, प्लस में नीचे की तरफ अगर लिखा हुआ बाय चांस अगर किसी का ओटीपी सॉरी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये गलत हो जाता है तो उसके बारे में किस प्रकार से हो रहा होगा, वो ठीक कैसे होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं बताने चाहता हूं आप सभी को, नीचे करेंगे। ठीक है, नीचे करने के बाद आप सभी का एडिटिंग विंडो बेसिकली एक होता है, खुलता है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, बाय चांस अगर किसी को सबसे पहले तो फॉर्म भरते वक्त आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें नहीं ठीक होती है, आप सभी का नाम ठीक नहीं होता है कभी भी। ठीक है, नाम नहीं होता है, फादर्स नेम आपका ठीक नहीं होता है, फादर्स नेम मदर्स नेम हो गया। ठीक है, और ये आप सभी का डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है, डी ओ बी हो गया। ठीक है, तो डी ओ बी सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है वो ठीक नहीं होती है। ठीक है, और आप सभी का बाय चांस इसके अलावा कुछ और चेंज हो गया, कैटेगरी वगैरह तो चेंज हो सकता है शायद। ठीक है, कैटेगरी वगैरह सारी चीजें चेंज होती है, वो हो जाती है। और ये जो 900 रुपए आप सबके लग रहे हैं यार, ये सारी जो 900 रुपए लग रहे हैं वो आप सबका वन टाइम फीस पेमेंट है। ठीक है, वन टाइम ही होगा, काउंसलिंग की फीस अलग से नहीं दी जाती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम फीस पेमेंट है 900 रुपए। ठीक है, ये जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपके ये रिफंड नहीं होगा। आपको एडमिशन लेना है, स्टार्टिंग में लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो पैसे हैं ये वापस नहीं मिलने वाले हैं। और अगर एडिटिंग की बात करें तो बाकी इन सबको छोड़कर जो जो मैंने बताया, नाम आपका, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस वगैरह तो चेंज नहीं होता है, शायद हो जाता है, एड्रेस वगैरह चेंज हो जाएगा, लेकिन जो है आपका कैटेगरी वगैरह वो सारी जो चीजें वो चेंज हो सकती है। जैसे सेंटर्स का आपसे का ये सेंटर्स का जो अलाइनमेंट है वो ठीक हो सकता है, मतलब कि प्रेफरेंस। ठीक है, फर्स्ट पे दिल्ली किसी ने भर दिया, सेकंड पे लखनऊ भर दिया, थर्ड पे आपका पटना भर दिया, तो वो सारी जो चीजें वो चेंज हो सकती है। सेकंड पे आप पटना कर सकते हो या फिर थर्ड पे आप तो लखनऊ कर सकते हो, इस प्रकार से सारी जो चीजें वो ठीक कर सकते हो। और प्लस में अगर एडिटिंग विंडो की बात करें तो एडिटिंग विंडो आप सभी की खुल रही होगी, आप सभी का जून में खुलेगा बेसिकली। ठीक है, जून में आपका एडिटिंग विंडो खुलता है, 2 से 3 बार खुलता है, लास्ट टाइम आपका 4 बार से प्लस खुला था एडिटिंग विंडो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर बाई चांस किसी ने आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और प्लस पे फीस पेमेंट भी कर दी है, तो फीस पेमेंट करने के बाद आपसे का एडिटिंग विंडो के ओपन होने का वेट ही करना पड़ेगा। फीस भरने के बाद आपका विदाउट एडिटिंग ओपन हुए, ठीक है, आप ठीक नहीं कर सकते हो, उसके बाद एडिटिंग विंडो ओपन होने के बाद ही आप ठीक कर सकते हो, उससे पहले कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो लास्ट डेट आप सभी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि लास्ट डेट आप सभी का क्या हो रहा होगा, लास्ट डेट आप सभी का 31 मई हो रहा होगा और ये बढ़कर आप सभी को जून तक जा सकता है, तो फिक्र मत करना। और बाकी किसी को भी प्रॉब्लम आती है फीस भरने में या फिर प्रिपरेशन करने में, किस प्रकार से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा और प्लस में यहाँ पे स्क्रीन पे भी चल रहा है व्हाट्सएप नंबर, तो वहां पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फिर फ्री ऑफ यार आप सभी को यहाँ पे गाइडेंस दे रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए बाबा, टेक केयर, सी यू, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ में अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, जैसे कि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। जय हिंद।